दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ से गुजरते हैं, एंड आप सब लोगों ने अक्सर ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर बिल्डिंग का बेस अच्छा है ना, तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। इसी तरह से इंसान तब मजबूत बनता है मेंटली एंड फिजिकली एंड सोशली, जब उसकी स्टूडेंट लाइफ अच्छी होती है। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ हमारी जिंदगी के पहले 10-20 साल की लाइफ होती है, एंड ये समय बहुत जरूरी होता है। इस समय में आप सब कुछ सीखते हो। एंड सक्सेस को ना एजुकेशन से मत डिफाइन करा करो। आप पढ़े लिखे हो या नहीं, इस चीज से सक्सेस डिफाइन नहीं होती। आप चाहे अनपढ़ हो ना, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। वैल्यू स्किल्स की ज्यादा है, ना कि एजुकेशन की। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके पास स्किल्स ज्यादा है ना, तो आप लाइफ में पैसा ज्यादा अर्न कर सकते हो, लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा अर्न कर सकते हो, एंड अगर आपका बिहेवियर अच्छा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्किल्स हैं जो आप बिल्ड कर सकते हो। एंड इस वीडियो में अगर बात करूं रेजिलियंस की, स्टूडेंट की लाइफ में रेजिलियंस क्या रोल प्ले करती है ना, पहले तो बताऊं कि रेजिलियंस होती क्या है। रेजिलियंस आपने सुना होगा, रेजिलियंस एक कैपेबिलिटी है, एक हैबिट है। आप लगा के चलो, आपने अपने आसपास बहुत से लोग देखे होंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में। आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो फियरलेस होते हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस से भी इजीली टैकल कर लेते हैं एंड उन चीज़ों को इजीली ओवरकम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पूरी क्लास के सामने या पूरे स्कूल के सामने आप लोगों को कुछ बोलना है, तो आप उस चीज़ में बहुत हेजिटेट करोगे, बिकॉज हर बंदा पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं होता। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि जो लोग रेजिलिएंट होते हैं, जिनमें रेजिलियंस होती है, वो इस सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं, एंड वो बिना कुछ सोचे समझे एंड अपने माइंड को यूज करके, अगर उनको ये सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है, चाहे कितने भी डिफिकल्ट हो, वो बिल्कुल ग्रेसफुली सारा कुछ अपना बोल के चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करना, एंड ये एक रेजिलिएंट लोग बंदे की क्वालिटी है। अगर आप में रेजिलियंस है ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। रेजिलियंस की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। आज मैं आपको रेजिलियंट लोगों की ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी स्टूडेंट लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को एंड अपनी सोशल लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है, वो है काइंडनेस एंड पेशेंस। अगर आप किसी के साथ भी काइंड हो ना, तो वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करता है। काइंडनेस इज लव। काइंडनेस से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं। काइंडनेस से मेरा मतलब ये कि अगर आप किसी के साथ भी बैठे हो, अगर वो आपसे बंदा छोटा है, तो उसको ऐसा कभी फील ना हो कि वो आपसे छोटा है। आपको उसको अपने लेवल पे रखना है। आपको उसको कभी ये फील नहीं होने देना कि वो आपसे छोटा है। चाहे आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो, आप किसी के साथ भी बैठो, चाहे आप किसी बैगर के साथ बैठो, चाहे आप किसी रिक्शा वाले के साथ बैठो, उन लोगों को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग छोटे हैं और ये बंदा बड़ा है। उसको ऐसे लगना चाहिए, ये बंदा हमारे जैसा है। तो लोग आपको पसंद करते हैं। आप सोसाइटी में देखते हो कि आपको कई लोग होते हैं जिनको लोग बहुत लाइक करते हैं, एंड वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं अपनी लाइफ पे, फिर भी लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि वो ग्राउंडेड हैं एंड उन लोगों को, उनको देख के अपनापन लगता है। सिर्फ ये क्वालिटी, एंड ये क्वालिटी अगर आप में है ना, तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको किसी के पास जाके किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि मेरे को लाइक करो। एंड उसके बाद पेशेंस। पेशेंस में ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एकदम से कंक्लूजन पे मत आओ। उस सिचुएशन को हैंडल करो, उसको समझो है क्या, देन उसका डिसीजन लो, पेशेंटली डिसीजन लो, एकदम से किसी को कुछ मत बोलो। जो सेकंड क्वालिटी है, वो ये है गुड रिलेशनशिप्स। आप अपनी लाइफ में हमेशा गुड रिलेशनशिप्स हर बंदे के साथ नहीं बना सकते, बट गुड रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि आप किसी के साथ रूडली बात ना करो। अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा, आपको, आपका कोई क्लासमेट आपको पसंद नहीं है वो बंदा, तो आप उसको पोलाइटली, उसके मतलब आपको पूरा बात करना बंद नहीं करना, आप उसका यस नो का या छोटी छोटी बातों का जवाब दो, बट यू डोंट हैव टू बी, मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाओगे उसके साथ।
तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको, आपको उसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, उसको बुरा भला बोलना है, बुरा भला बोलना है। आप उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाओ, एक जिसमें आप एक दूसरे को स्पेस दो, हेल्दी स्पेस, जिसमें आप एक दूसरे को तंग मत करो, तंग मतलब एक दूसरे से इरिटेट ना हो। होता क्या है, कई लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, तंग करते रहते हैं, सो दैट दूसरे बंदे को गुस्सा आए। इस चीज से बच के रहना है। आप ऑब्वियसली अगर आप रेजिलिएंट हो, आपको मैंने पहले बताया पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी है, इन चीजों को इग्नोर करो। एंड अगर आप उन शरारतों का जवाब दोगे ना, तो बंदा ज्यादा उठ के सामने आएगा एंड वो दोबारा वो चीज करेगा। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। जो थर्ड क्वालिटी है वो ये है कि यू शुड नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। रिजेक्शन हम लाइफ में, एस्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, जब आप कॉलेज से पास आउट होगे, या मेनली बता रहा हूँ जब आप जॉब्स के लिए जाओगे, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ इसलिए, तो आप रिजेक्ट जरूर होगे, या अपनी स्टूडेंट लाइफ से पहले कई चीज़ों में, प्रैक्टिकल चीज़ों में रिजेक्ट होगे। तो आप रिजेक्शन को कैसे फेस करोगे? देखो, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब कितने भी ग्रेट लोग देख लो, कितने भी ग्रेट लीडर्स देख लो, वो कहीं किसी ना किसी मोड़ पे अपनी लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट हुए, तब जाके वो एक पॉइंट ऑफ स्टेज पे बैठे हैं। एंड रिजेक्शन से ना एवरी टाइम बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। सीखता कैसे है, एक वो देखता है कि मैं किस चीज में गलत था, मैं जब उस सिचुएशन में गया तो मेरे से वहां पर क्या गलती हुई, तो वो जब वो नेक्स्ट टाइम उसी सिचुएशन में होगा तो वो गलती, वो वाली गलती को अवॉइड करेगा एंड उससे कुछ सीख के आएगा। हमेशा अपनी ऐसी सिचुएशन से पॉजिटिव निकालो। नेगेटिव बातें चाहे जितनी मर्जी निकाल लो, उसका कोई कंक्लूजन नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। आप सब लोग ये बात बखूबी जानते हो, नेगेटिविटी से कोई फायदा नहीं होता। हर सिचुएशन से आप ट्राई करो कि आप पॉजिटिव थिंग्स अडैप्ट करो, निकालो उन चीज़ों से पॉजिटिव थिंग्स। अपनी गलतियां ढूंढो कि मैं इस जगह पे, मेरे से ये गलती हुई, इस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ। अगर आपको कोई हायर करना चाहता है ना, अगर आपको कोई कंपनी आपका इंटरव्यू ले रही है, पहली बात तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, वो पहले आपका कॉलिंग इंटरव्यू लेते हैं, तब आपको वो सामने बुलाते हैं। एंड अगर आपको वो बुला रहे हैं, तब उसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके में, आप में कुछ देखा, आपके रिज्यूमे में कुछ देखा, इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं। बट वो आपके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कमी लगती है, एंड आपको वो चीज ढूंढनी है उस चीज की। वो कोई बुरी बात नहीं है, ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इज नॉट अ बैड थिंग। आप अगर अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, वो कोई बुरी बात नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज अलग अलग चीजों से आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। जो चौथी क्वालिटी है वो है एम्पथी। एम्पथी का बेसिकली मतलब ये है कि आपको पता है कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, दूसरे की फीलिंग्स क्या है, आप दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचो। ये बेसिकली एम्पथी होती है कि आप दूसरे बंदे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचो, वो क्या सोच रहा है, वो आपसे चाहता क्या है। दिस इज एम्पथी, कि आप किसी की फीलिंग्स हर्ट ना करो। आपको अगर कुछ सही लग रहा है तो आप ये जरूर देखो कि आप उस चीज से किसी का नुकसान ना करो, बिकॉज हम अगर चाहे कितना भी सही कर रहे हैं, उस चीज से किसी तीसरे बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितने भी सही हो, बट उस चीज से किसी भी तीसरे इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन द एंड अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका मतलब आप उसको दुखी कर रहे हो, एंड इस चीज से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के लिए आप में एम्पथी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप में एम्पथी है ना, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान कहलाते हो, आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एम्पथी एक ऐसी चीज है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। जो फिफ्थ क्वालिटी है वो है अपॉर्चुनिटी सीकिंग। अपॉर्चुनिटी सीकिंग, जैसे आपने, आपको वर्ड से ही पता लग गया होगा कि जो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनको ग्रैब करना या उनको ढूंढना। मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी, आपने किसी भी ग्रेजुएशन, किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री की आपने, तो आपको उसके लिए जॉब नहीं मिल रही आपको, या जॉब नहीं करनी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखो, घर पे बैठे भी आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो आज के ज़माने में, नो एक्सक्यूजेस। एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से मतलब ये है कि कोई तीसरा बंदा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा,
पहली बात तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को अप्रोच करो एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे एंड वन और दी अदर डे आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आप आज की डेट में जो जो बड़े बड़े लोग हैं, आप उनके साथ जो छोटे छोटे लोग काम करते हुए देखते हो ना, जो साथ में उनके जो टीम होती है उनकी, वो लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे मतलब अप्रोच करके ही उनके साथ जुड़े होते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो जो वेल सेटल्ड लोग हैं उनको अप्रोच करके उनके साथ उनकी टीम को ज्वाइन करते हैं। अब नो मैटर आपको नहीं जॉब करनी, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई और जॉब कर सकते हो, बट उसके लिए आपको खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है छोटी से बड़ी, उसको ग्रैब करो। एंड अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करो। आप किसी फील्ड में हो, उस फील्ड के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स करो। इन द फ्यूचर आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन फ्यूचर, अच्छी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब काइंड ऑफ एक बेस बन जाएगा आपका, एक्सपीरियंस बेस, तो वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज को कभी जाने नहीं देना, कभी किसी भी अपॉर्चुनिटी को बिना सोचे समझे, बिना पूरे एनालिसिस के ना नहीं बोलना। अपॉर्चुनिटीज किस्मत वालों को मिलती हैं, याद रखना। एंड अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास नहीं आ रही तो आपको उनको क्रिएट करना है, आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के बहुत रेयर आते हैं, एंड जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो भगवान भी आपका उस चीज में साथ देता है। हम सबकी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन जो इवेंट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें लगता है कि ये कैसे हो गया। वो सब खेल जो है ना, वो भगवान का है कर्मा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको अपॉर्चुनिटीज कभी जाने नहीं देनी एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा ट्राई करते रहना। आगे बात करते हैं रेजिलियंस एनहेंसमेंट के बारे में। रेजिलियंस एनहेंसमेंट का मतलब ये है कि आप में ऑलरेडी ये सारी स्किल्स, ये कैपेबिलिटीज हैं, ये पॉइंट्स आप में हैं, बट आप इनको एनहेंस कैसे करोगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप पहला तरीका ये है कि आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने का ये मतलब क्या है, पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन में कंक्लूजन्स पे जंप मत करो एंड आप अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनको गाइड करते रहो, पॉजिटिवली गाइड करो, उनमें पॉजिटिव एनर्जी भरो। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। आप उनको पॉजिटिवली गाइड करो, उनको बताओ कि आप में किस चीज़, आपको अगर वो आप देखते हो कि अगर आपका कोई क्लासमेट टेंशन में है, स्ट्रेस में है किसी एग्जाम के लिए, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। आप उनको सिखा सकते हो कि आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से टैकल कैसे कर सकते हो। या किसी स्टूडेंट के फैमिली में प्रॉब्लम है तो आप उसको उस चीज़ के चीज़ें बता सकते हो, उसको ये आप उसको कह के ये बता सकते हो कि यार टेंशन मत ले, मेरे घर पे भी ऐसे होता था बट मैंने ऐसे ऐसे किया। तो वो उस चीज़ से रिलेट करेगा एंड ही विल फील गुड, बिकॉज इन दी एंड चाहे फैमिली है चाहे आप हो, हम सबकी लाइफ ना इंडिविजुअली है। आप क्या सोच रहे हो आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं पता, एंड आपके हमेशा आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको अपनी, बिकॉज आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को खुद बिल्ड करना पड़ेगा। एंड अपनी लाइफ को खुद बिल्ड करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप देखो, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना लाइफ में, तो आप अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे आपके सोशल फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई है। आप अगर वैल्यू प्रोवाइड करते हो तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड तो इस चीज़ से आपको पॉजिटिवली लोगों को गाइड करना है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे 6 साल के बच्चे हैं, उनको बताना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। देखो जो हम सब लोग सुनते हैं ना वही हम करते हैं। एंड अगर आप छोटी एज में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें बताने लग जाओगे ना, ये चीज़ें सारी चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाएंगी एंड आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ पे कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा। मान लो वो किसी झगड़े वाली या लड़ाई वाली सिचुएशन में है तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उनको पता होगा कि मैं अगर गुस्से में रिएक्ट करूंगा, अगर मैं उनके साथ झगड़ा ज़्यादा करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एंड आपको उनको हमेशा गाइड करते रहना है।
दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप में ह्यूमर बिल्ड करो। ह्यूमर एक अच्छी चीज है। आपका कोई फ्रेंड उदास है, आपका कोई क्लासमेट टेंशन में है, जस्ट स्ट्रेस में है, तो आप उसको हंसा सकते हो, उसको खुश कर सकते हो। हम अक्सर ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि अगर हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, बट अगर हम आप बाहर हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम अच्छा फील करते हैं बिकॉज उस सिचुएशन में ह्यूमर आ जाता है। एंड हंसना इज अ नेचुरल मेडिसिन। अगर आप खुश हो, वो नेचुरल मेडिसिन है, तो आपको अपने आसपास जो भी आपको लगता है, बिकॉज आप बच्चे तो हो नहीं, आपको सब पता लग जाएगा कि किसके साथ क्या चल रहा है, या नहीं तो आप उनको पूछ सकते हो। वो आपको तब बताएंगे सारी बातें जब आप उनको अपने लेवल पे ले आओगे, उनको फील कराओगे, अपनापन फील कराओगे, तब वो आपको बताएंगे, तब वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ साथ शेयर करेंगे। एंड जो फ्रेंड आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, मानो सच बताऊं कि वो आपका मतलब सच्चा फ्रेंड है। एंड आपको उनको कभी रोने या उदास नहीं रहने देना, आपको अपने आप में ह्यूमर बिल्ड करना है। एंड जो अपने मतलब अपने अराउंड अपनी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, उनमें खुशियां बांटनी है, उससे आपका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा एंड आपको उस चीज़ से बहुत खुशी मिलेगी। आप खुद सोचो, जब मैं अपनी बात बताऊं, तो जब भी मैं कहीं बाहर होता हूं, तो अगर मैं कोई भी चाहे बेकार जोक चाहे अच्छा जोक क्रैक करता हूं, एंड अगर कोई भी अनजान या रैंडम लोग उस चीज़ पे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को खुशी मिलती है। चाहे कोई वर्कर है, अगर मेरी छोटी सी चीज़ से कोई हंसता है, तो मेरे को खुशी मिलती है। ये चीज़ मैंने खुद से नोटिस की है, अपने साथ नोटिस की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपने अंदर ज़रूर बिल्ड करो। एंड आई होप एज अ स्टूडेंट आप इन सब चीज़ों को बिल्ड करोगे, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं मैंने, बट इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड आप अगर इनको अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। एंड मेरे को नहीं पता, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, कि इस पर आपको पता नहीं कि अगर मेरे को नए दस बंदे भी देख रहे हैं ना, मेरे चैनल पे अभी मान लो व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, नया चैनल है, बट मेरे को अगर 10 बंदे भी नए देख रहे हैं एंड वो इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, मेरे लिए एक अचीवमेंट है, मेरे को खुशी मिलती है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी और एनीथिंग एल्स, मेरे को खुशी मिलती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, एंड मनी के लिए, बिकॉज और भी सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। मैं ये लोगों को सर्व करने के लिए, ये लोगों की हेल्प करने के लिए करता हूँ, तो इस चीज़ से खुशी मिलती है। एंड आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे आप में आएंगी। आप इन चीज़ों अगर आप में कोई भी बुरी आदत है, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, आप देखो कि आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आपके दोस्त आपको उस चीज़ को, बुरी आदत को ख़त्म करने नहीं दे रहे, या वो उस बुरी आदत को दोबारा आपके सामने लेके आते हैं, तो आपको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा। अकेले रहना सीखो, अकेले रहना बुरी बात नहीं है, अकेले रहना सीखो, अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करना सीखो। तो इस ये सारा कुछ बता के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को पूरा इंजॉय करो। स्टूडेंट लाइफ वापस नहीं आती कभी, एंड बंदा एक बार जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो वो सारी उम्र बस अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, अपने स्कूल फ्रेंड्स को याद करता है। तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर ज़रूर बिल्ड करो, एंड आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो अपना टाइम स्पेयर करने के लिए एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।